गाइस, वेलकम टू माय चैनल भारती लाइफस्टाइल विद कुकिंग। सो आज मेरा बर्थडे है। सो फर्स्टली आप सभी लोग मुझे हैप्पी बर्थडे विश कीजिए कमेंट करके, मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी फ्रेंड्स। एंड थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो को बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही प्यार मिल रहा है मेरे चैनल को। इसी तरह से आप अपना प्यार बरकरार रखना, यही मैं आशा करती हूँ आज मेरे बर्थडे के दिन। सो आज डिनर के लिए मेरे हस्बैंड मुझे बाहर लेके जा रहे हैं, तो वही व्लॉग मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो चले चलते हैं, कहाँ लेके जाने वाले, क्या सरप्राइज़ देने वाले आपको भी बताऊंगी। तो चले चलते हैं। सो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं डिनर के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा लूम्स, नीचे लूम्स मशीन है तो उसका नॉइज़ बहुत ही आता है, और आप देख सकते हो मेरे वीडियोस में भी इसका नॉइज़ सुनाई देता है, बहुत ही डिस्टर्बेंस होता है। तो ये देखो कियांश बैठ रहा है कार में, तो पहले वो पीछे बैठने के लिए बोल रहा था बट फिर उसे मैंने आगे ले लिया है। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो देखिए हम लोग निकल रहे हैं, और ये कियांश सब्सक्राइब सब्सक्राइब है। कियांश को मैंने बोला है कि कुछ तो बात करो, वो कर ही नहीं रहा है। सो गाइस, अगर मेरे ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए यार, और सपोर्ट कीजिए, और आप कमेंट कर सकते हो मेरे वीडियो पे। तो देखिए हम लोग निकल गए हैं। तो देखिए आज मैंने लॉन्ग ड्रेस पहना है, और हम लोग फाइनली यहाँ पे एक ढाबे पे आए हैं जो कि एक ट्रेडिशनल व्यू देता है। सो गाइस, ये जो ढाबा है वो देसी ढाबा है, देसी का एक लुक आता है। तो हम लोग कोई और प्लानिंग कर रहे थे बट ट्रैफिक की वजह से वह आज नहीं जा पाए, बहुत लेट हो गया था, और 2 आवर्स तो ट्रैफिक में फंस गए थे, इसलिए ये बीच में ये ढाबा दिख गया था तो यहाँ पे हम लोग को आना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे चेयर्स वगैरह सब देसी लुक में है, तो एक देसी का फील आता है, तो हम लोग ने सोचा कि चलो इसका भी एक्सपीरियंस किया जाए। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डिशेस ऑर्डर की है, और ये जो कियांश है बहुत ही, इसको बहुत पसंद आया ढाबा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और आज मैं आपको मेरे हस्बैंड से मिलाती हूँ। This day is a great day for me because it's the birthday of my wife, Bharti, and I am wishing her a birthday. And please support her. Please support her. Subscribe. And subscribe her. And I am wishing her a lot for the future, for the new future, and good health for the whole life, and for even for my son too. हाय गाइस, सो एक्चुअली हमारा प्लानिंग कुछ और था बट ट्रैफिक के वजह से हमें यहाँ पे ढाबे में आना पड़ा। सो आज मेरे बर्थडे के स्पेशल में हम लोग डिनर के लिए बाहर आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज मेरे बर्थडे के स्पेशल के दिन मेरे हस्बैंड को कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब में यूट्यूब चैनल क्रिएट करना, एक यूट्यूबर बनने के लिए सबसे पहले इन्होंने ही मुझे हिम्मत दिया, इन्होंने ही मुझे हौसला दिया कि तुम कर सकती हो, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारी अगर इच्छा हो तो तुम करो, किसी से डरो ना। तो दैट्स वाई इनके सपोर्ट्स के वजह से मैं इतना कुछ कर पाई हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे हस्बैंड मिले जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो आपका साथ दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं इन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड थैंक यू गाइस, आप मेरे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो इनको भी मेरे तरफ से थैंक यू, और मैं चाहती हूँ नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट बर्थडे में मेरे और भी बहुत सारे मेम्बर्स मेरे साथ जुड़े, और मेरी जो फैमिली है यूट्यूब की वो बहुत बड़ी हो जाए। तो यही आज मैं दुआ करती हूँ भगवान से। सो आज हम लोग डिनर के लिए आए, तो क्या क्या आइटम हम लोग ने ऑर्डर किया है वो आपको मैं दिखाती हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा ये ढाबा भी आपको घुमाती हूँ कि ये ढाबा कैसा दिख रहा है, कैसा है। और कुछ कहना चाहती हो हिंदी में बोलो। नहीं, बस इतना ही कि आई एम गिविंग हर पार्टी फॉर हर बर्थडे, एंड आई विश हर अ लॉट फॉर दैट, फॉर हर फ्यूचर एंड फॉर दी फॉर हर हेल्थ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब हर एंड लाइक दी एंड गिव कमेंट्स टू द
YouTube videos. That's all. Please support her. Okay, आज बर्थडे के स्पेशल स्पेशल व्लॉग में मैं उनसे कुछ अपनी तारीफ पूछना चाहती हूँ कि इसी मौके पे कुछ तारीफ करवा लो अपनी. तो बताइए मेरे में से 5 क्वालिटी क्या है जो आपको पसंद है. अच्छा 5 क्वालिटीज ऑफ पेशेंस हार्डवर्क एंड यू रेस्पेक्ट एवरीवन दैट्स द बेस्ट क्वालिटी इन यू एंड यू आर मोर डिटरमाइंड एंड द वन एंड द बेस्ट इज द गुड कैरेक्टर. ओके थैंक यू सो मच. और जो आपको पसंद नहीं है वो क्वालिटीज आओ इधर आओ एक एक बताओ जो पसंद नहीं है मेरे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं. कभी कभी पेशेंस जल्दी खोती है. हाँ नहीं इधर आ. सो गाइस शॉर्ट टेम्पर कभी कभी ऐसा डेली नहीं होता है जो मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी चीज़ों के लिए मैं उतना गुस्सा नहीं करती हूँ. सो गाइस हैप्पी बर्थडे मम्मी है ना. हैप्पी बर्थडे. सब्सक्राइब टू द चैनल. अरे अरे रुको सरे जरूर मन मंच. सो यहाँ पे ढाबे में बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारे इस तरह के खिलौने हैं. तो कि आज तो बहुत ही एंजॉय किया है यहाँ पे. देखिए वो किस तरह से झूल रहे हैं. उसको तो ये ढाबा बहुत पसंद आया. सो इसको लेके जाना और बिठाने में भी इसको एक्साइटमेंट है और ये डर भी रहा है साथ ही इसको अच्छा भी लग रहा है. तो वहाँ पे लास्ट में एक जंपिंग का एक खिलौना है. तो देखिए यहाँ पे वो जंप कर नहीं पा रहा है तो बार बार गिर जा रहा है. उसको अच्छा भी लग रहा है और डर भी रहा है वो. सो ये जो बलून वाला जो खिलौना है मतलब खेलने वाला इसमें कियंश को खेलने का तो मन है बट वो चढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो बहुत छोटा है. तो फिर भी उसने ट्राई किया है. वो डर रहा है पहली बात तो उसको खेलना भी है और उसको डर भी लग रहा है. और ये भी एक टाइप का बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है. कियांश डर भी रहा है और साथ ही इसको खेलने का भी मन हो रहा है बट उसने बहुत ही एंजॉय किया है. तो आई थिंक एक कोई फिश है. तो अभी जो बाजू में जो हॉर्स है उस पर बैठने के लिए बोल रहा था तो उसको वहाँ पे बिठा है. पर ये जो हॉर्स है बहुत ही उछलता है तो मुझे डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए पर वो सुन नहीं रहा था उसको बैठना ही था. तो सोचे चलो ट्राई करते हैं फिर. ये देखिए ये बहुत ही उछल रहे हैं तो मुझे डर लग रहा था कहीं पीछे ना गिरे क्योंकि पीछे जो है पूरे पेड़ है और वहाँ पे ईंट से बना हुआ है कहीं सिर पे लग जाएगा यही डर लग रहा था. तो वो भी उतर गया उसको भी डर लग रहा था. तो तो ये मंकी वाला था तो इसमें भी उसने बहुत एंजॉय किया. आई थिंक उसने बहुत ही एंजॉय किया यहाँ पे खेलने में. तो अभी बहुत खेल चुके हैं और हमारा ऑर्डर भी आ चुका है तो हम लोग जा रहे हैं खाने. तो ये है ड्राई मंचूरियन. यहाँ पे सर्विंग सब पूरा देसी स्टाइल में है क्योंकि ये देसी होटल है. तो आपको ऐसा फील होगा कि आप गाँव में बैठ के खा रहे हो. तो इसी तरह से यहाँ पे सर्विंग है. और यहाँ पे चिकन है
तो देखिए मेरे हस्बैंड और कियांश दोनों खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फूड को। तो ये वाला ढाबा भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि देसी टाइप है और वो अलग ही एक्सपीरियंस है। और मुझे भी यहाँ का फूड बहुत ही पसंद आया। ग्रिल्ड चिकन ऑर्डर किए थे हम लोग ने, तो वो भी टेस्ट उसका अच्छा है और साथ ही ड्राई मंचूरियन का भी टेस्ट अच्छा है। और हम लोग ने चिकन बिरयानी भी ऑर्डर की है, अभी वो भी आ रहा है। तो ऑलमोस्ट खाना तो बहुत बढ़िया था और बच्चों के लिए जो अरेंजमेंट उन्होंने किया है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पे पानी में बोट में कियांश बैठा है, उसको बहुत ही ये बोटिंग बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है बोटिंग का। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा सुविधा दिए हैं, अगर आप यहाँ पे आओगे तो आराम से 2 आवर्स 3 आवर्स स्पेंड कर सकते हो और बच्चों का माइंड भी जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा क्योंकि बच्चों को ऐसे कुछ और डिफरेंट उनको खेलना और देखना पसंद है। तो मुझे भी यहाँ पे अच्छा लगा, अगर हम लोग होटल जाते कोई तो वहाँ पे सिर्फ खाना ही होता है तो बच्चों के लिए कोई खेलने के लिए एक्साइटमेंट कुछ नहीं होता, तो शायद कियांश वहाँ पे उतना एंजॉय नहीं करते। बट यहाँ पे कियांश बहुत ही एंजॉय कर रहा था क्योंकि ये ट्रैफिक की वजह से हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा, पर ये जो भी ढाबा है उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे ये ढाबा बहुत ही पसंद आया। देखिए कि अंश को प्रैक्टिस हो गया जंप करते करते, अभी वो खेल भी रहा है गिर भी रहा है पर डर नहीं रहे। तो फाइनली टाइम आ चुका है, अब हम लोग घर निकल रहे हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।